दोस्तों जब आप ट्रेन से सफर करते हैं आपके दिमाग में कभी ना कभी ये बात तो जरूर आई होगी कि एक पटरी से दूसरी पटरी पर ट्रेन कैसे पहुंच जाती है, वो भी उसी स्पीड में। दोस्तों आपको नहीं मालूम तो चलिए हम आपको बताते हैं, लेकिन शर्त आपसे इतनी है कि हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जहां से ट्रेन पटरी बदलती है उन दोनों को टेक्निकल स्विच कहा जाता है। एक लेफ्ट स्विच और एक राइट स्विच होता है, और लोको पायलट जब ट्रेन का ट्रैक बदलना चाहता है तो उस समय कंट्रोल रूम के कंट्रोल पैनल से ऑपरेट करता है। असल में पटरियों पर लगे ये दो स्विच तय करते हैं ट्रेन के मूवमेंट को राइट मोड़ना है या फिर लेफ्ट। इन दोनों स्विच की मदद से ही ट्रेन पटरी को चेंज कर पाती है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी आपको पहले से पता थी तो कमेंट में यस लिखें, अगर नहीं पता थी तो नो लिखें।